हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्यूरिंग ट्रेन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है। सो गिवन अ नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस आयोटा वाई इज इट्स कॉन्जुगेट एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। तो अगर मेरे पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक नंबर दिया है, तो अनदर नंबर z बार जिसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर z, तो z बार की वैल्यू क्या होती है, x माइनस आयोटा y। सो बेसिकली इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन z बार विच इज द कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या है, z और उसके ऊपर एक अपन बार लगा देते हैं, सो z बार विल बी x माइनस आयोटा y। नाउ इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और मुझे उसका कॉन्जुगेट निकालना है, सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज जो इमेजिनरी पार्ट है उसका मैं साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था एंड मुझे उसका कॉन्जुगेट ढूंढना था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आई हो, तो आयोटा वाई दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैंने इस इमेजिनरी पार्ट का साइन, यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। सो बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट निकालो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढोगे क्या है, राइट, एंड देन जो इमेजिनरी पार्ट का ओवरऑल साइन है उसको आप चेंज कर दोगे। सो लेट अस सी, अगर मेरे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा, तो मुझे उसका कॉन्जुगेट निकालना है। तब मैंने जैसे बोला था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो यहाँ पे आयोटा किसके साथ है, 4 के साथ, तो 4i विल बी माई इमेजिनरी पार्ट। अब उसका अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो मुझे कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो गिवन z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट वुड बी 3 - 4i। मैंने क्या किया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव था, उसको मैंने चेंज करके नेगेटिव कर दिया। तो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो उसका करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मिल जाएगा, राइट। तो अगर मेरे पास ये गिवन नंबर है z इज इक्वल टू 3 - √41i और मुझे उसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो सबसे पहले ये देखो कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -√41i, राइट, क्योंकि उसके पास क्या है, आयोटा है। तो अपन क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, 3 + √41i। ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो उसका कॉन्जुगेट जेड बार कैसे मिलेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके लिख दो आप। बट ये तो बात होगी कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बट इसको अगर हमें ज्योमेट्रिकली समझना है तो हम क्या करेंगे, तो ज्योमेट्रिकली इसको प्लॉट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आर्गन प्लेन क्या होता है। तो यहाँ पे आर्गन प्लेन मैंने बना दिया है जिसमें दो एक्सिस होती है, सबसे पहले एक रियल एक्सिस एंड ये इमेजिनरी एक्सिस। नाउ यू कैन सिंपली कंपेयर दिस टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं x, y के लिए, राइट। बट हम वही चीज यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज फॉर रियल नंबर्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम जो दो एक्सिस हैं, एक को बोलेंगे रियल एक्सिस और दूसरे को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अब रियल एक्सिस के ऊपर हम रियल पार्ट प्लॉट करेंगे एंड इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हम इमेजिनरी पार्ट प्लॉट करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो मतलब क्या है बेसिकली कि अगर मेरे पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो x क्या है उसका रियल पार्ट, तो जो रियल पार्ट है उसको मैं रियल एक्सिस पे प्लॉट करूंगा एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा y, तो ये जो y है इसको मैं इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। और इन दोनों को जब मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे एक मिलेगा टपल x, y, और ये जो x, y है वो मुझे बताएगा कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, ठीक है। तो एक बार मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 + 4i, इसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। तो 3 + 4i का मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, 3, दैट मींस मुझे रियल एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, 3। सो ये जो मेरा रियल एक्सिस है इसमें मैं 3 प्लॉट करता हूँ, 1, 2, 3, तो मुझे ये पॉइंट मिला। एंड इमेजिनरी एक्सिस पे क्या प्लॉट करूंगा मैं, इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4i, लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है यहाँ पे, 4, तो इमेजिनरी एक्सिस पे मुझे 4 प्लॉट करना है, सो 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, 3, 4 के जो कॉम्बिनेशन से ये जो पॉइंट मिला 3, 4,
दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 3+4 iota. तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा. एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि इसका जो रियल एक्सिस पे कंपोनेंट है वो 3 है और इमेजिनरी एक्सिस पे उसका कंपोनेंट क्या है, 4 है. दैट मींस दिस रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 3+4 iota. क्योंकि 3 क्या है, 3 हमने रियल एक्सिस पे प्लॉट किया है मतलब वो उसका रियल पार्ट हो गया. 4 हमने इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट किया है, पॉजिटिव 4 है ये, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव 4 हमने प्लॉट किया मतलब ये हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला वो क्या मिला, 3+4 iota, डिपेंडिंग आपने कौन से दो पॉइंट्स प्लॉट किए. अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है. तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो. तो यहां पे कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3-4 iota. अब अपन क्या करते हैं, ये जो 3-4 iota है उसको भी प्लॉट करते हैं. तो रियल पार्ट क्या है, 3, और इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या हो जाएगा, -4, जो मुझे इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करना होगा. तो रियल पार्ट रियल एक्सिस पे 1, 2, 3, ऑलरेडी ये पॉइंट था मेरे पास. इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, -4, तो उसको हम इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, -1, -2, -3, -4 यहां पे. तो ये जो मेरे पास नया पॉइंट मिला 3, -4, अगर मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट करूं एज अ वेक्टर तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा, राइट. तो बेसिकली मुझे यहां पे आपको एक पॉइंट समझाना था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बार, अगर आप उनको एज अ वेक्टर प्लॉट करोगे इन दिस आर्गेंट प्लेन, ठीक है. हमने क्या किया, हमने आर्गेंट प्लेन लिया, उसमें इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, जेड के पॉइंट्स को और जेड बार के पॉइंट्स को. तो जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी. वो क्या चीज है कि ये जो दोनों का एक्स है, जो रियल एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं रियल पार्ट, वो तो सेम है, बस जो इमेजिनरी पार्ट हम पॉइंट प्लॉट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे उसका साइन चेंज हो गया है. ऊपर पॉजिटिव 4 था, नीचे नेगेटिव 4 हो गया. और अगर ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, दिस वॉज माई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एंड ये मुझे मिला उसका कॉन्जुगेट. तो ये दोनों एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस. मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे एक मिरर रख दूं ऑन द रियल एक्सिस तो जेड का मिरर इमेज जेड बार बनेगा, सिमिलरली जेड बार का मिरर इमेज जेड बनेगा. सो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट जेड बार आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, ठीक है. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट्स से मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज -3, -4 है, मतलब रियल पार्ट पे -3 प्लॉट करना है एंड जो इमेजिनरी है उस पर -4 प्लॉट करना है. तो रियल पे -3, -1, -2, -3 एंड इमेजिनरी पे -4 करना था, राइट. सो -1, -2, -3, -4 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट विच इज -3, -4. अब इसको मैं एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है. लेट्स से ये z1 है, ठीक है. तो z1 मेरा क्या मिला, मुझे ये वाला वेक्टर, 0 से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला z1 वेक्टर. अब अगर मैं इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैं कॉन्जुगेट लेना चाहूं तो बेसिकली क्या करना है, रियल पार्ट ऐसे ही रखना है लेकिन जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज करना है. तो यहां पे -4 था, उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, +4 iota. अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. सो रियल पे -3, इमेजिनरी पे +4, रियल पे -3, इमेजिनरी पे +4. जब आप प्लॉट करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा -3, 4, एंड अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहां पे ऐसे तो ये z1 था, ये हो जाएगा z1 बार उसका कॉन्जुगेट. तो फिर से वही बात हो गई कि रियल पार्ट जो है वो सेम है दोनों का, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है जो हम इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं उसमें बस साइन का डिफरेंस है, यहां पे +4 है यहां पे -4 है, ठीक है. और एक चीज जो हमने पहले भी बोली थी कि ये जो जेड है और ये जो उसका कॉन्जुगेट आया जेड बार, दोज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, ठीक है. तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी इस वीडियो में कि कॉन्जुगेट हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मिलता है. अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू x+iota y, तो x-iota y विल बी इट्स कॉन्जुगेट. बेसिकली हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन था उसको चेंज कर दिया. एंड अगर आप इसको आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करके या प्लॉट करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि जेड और जेड बार एक दूसरे के मिरर इमेजेस है विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस. तो ये तो डिस्कशन किया अपन ने कि कॉन्जुगेट क्या होता है. अब जरा ये जो कॉन्जुगेट हमने प्लॉट किया है या जो कॉन्जुगेट हमने ढूंढा है उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं.
ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे इस वीडियो में हम इस कॉन्जुगेट की। लेट्स से कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने बताया था जो उसका कॉन्जुगेट है वो कैसे मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जेड प्लस जेड बार इन दोनों को ऐड करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इनिशियली लिया था और जो उसका कॉन्जुगेट मिला है उन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो जेड क्या था मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार क्या है एक्स माइनस आयोटा वाई, सो इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड। तो ये क्या होगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। अभी प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो गया, सो इसकी वैल्यू क्या आई मुझे टू टाइम्स एक्स, मतलब जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स। अगर मैं इस टू को यहां नीचे ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा x मिलेगा z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज जो अपने को नोट करनी है, अगर मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई ये गिवन है तो उसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है x, किसके साथ रियल पार्ट क्यों है क्योंकि कोई इसके अंदर आयोटा वाली टर्म कोई है ही नहीं तो वो रियल पार्ट है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z वॉज एक्चुअली एक्स, राइट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका रियल पार्ट क्या है एक्स, बट एक्स की वैल्यू क्या है जेड प्लस जेड बार अपॉन टू अपन ने ढूंढा अभी, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कैसे मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो उसके साथ उसके कॉन्जुगेट को एड कर दो और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको डिवाइडेड बाय टू कर दो। ठीक है, तो मुझे रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कैसे मिलता है जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, उसी तरह आप देखते हैं जेड माइनस जेड बार करने में क्या मिलेगा, तो जेड क्या है मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और जेड बार क्या है एक्स माइनस आयोटा वाई, सो दिस माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस आयोटा वाई, सो हियर एक्स एंड माइनस एक्स आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड, अपने पास क्या बचा टू आयोटा वाई, मतलब फाइनली क्या मिला जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू टू आयोटा वाई। अब इधर टू आयोटा जो है उसको मैं नीचे ले आता हूं तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या मिलेगी जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय टू आई। ठीक है, आई को भूलने जाना है यहां, आई को भी नीचे ले आए, वाई को सिर्फ आइसोलेटेड रखा है। अब जरा यहां पे जेड को देखो एक्स प्लस आयोटा वाई था तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। अब यहां पे जेड में आयोटा के साथ क्या था वाई, मतलब ये जो वाई है बट वाई एक्चुअली क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। मतलब क्या कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कैसे मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो उससे उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड कर दो टू आयोटा से तो मुझे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट कैसे ढूंढते हैं जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, इमेजिनरी पार्ट कैसे ढूंढते हैं जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा। अब यहां पे देखते हैं जेड इंटू जेड बार का मतलब क्या है, तो जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड बार क्या है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट का पहला टर्म लेंगे उसको अगले ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पहले ब्रैकेट का ये जो दूसरा टर्म है उसको लेंगे और दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट। सो ये कैसे मिलेगा x इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना, x इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स की साइन यहां पे पॉजिटिव है तो प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई और एक आयोटा भी बच गया तो एक्स वाई आयोटा। अब यहां पे देखो प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई और आयोटा भी है यहां पे साथ में, ओके। अब यहां पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स वाई आयोटा और माइनस एक्स वाई आयोटा दोनों कैंसिल कर गए, अब यहां पे क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब एक चीज नोट करो कि जो आयोटा है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर क्या मिलेगा, नेगेटिव वन, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर, तो ये क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस सो प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसके कॉन्जुगेट से, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स क्या है, इमेजिन एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड, तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी आज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे मिलेगा, जेड प्लस जेड बार अपॉन टू। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कैसे मिलेगा, जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई, एंड जेड इंटू जेड बार करोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज बेसिकली रियल पार्ट का स्क्वायर कर लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको समझा होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है और उसके ये तीन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगले सेशन में जब मिलेंगे तो डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अरिथमेटिक सीखना है अभी तो, पावर्स ऑफ फाइव, बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले अपन, जो शायद 12th स्टैंडर्ड में आपने इतनी सीरियसली नहीं सीखी होगी। राइट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ऐसे लेक्चर्स देखने को मिले, एंड सब्सक्राइब करो चैनल पे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आता, प्लीज जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हम सारे कमेंट्स रीड करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आई हैव गिवन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई हैव आल्सो गिवन माय ईमेल आईडी ऑफ द चैनल, वहां पे भी आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।